अच्छा भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एतिसलात S3 राउटर को एज एन एक्सेस पॉइंट या एज एन एक्सटेंडर कैसे यूज करते हैं। तो दो सिंपल वे हैं यूज करने के, तो वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज हम करते हैं, तो उसी तरह इसको हम एक्सेस करने के लिए सबसे पहले राउटर की बैक साइड पे वाईफाई का नाम और पासवर्ड जो लिखा होगा सबसे पहले उसको कनेक्ट करेंगे उससे, और उसके बाद राउटर की बैक साइड पे ही एडमिन और यूजर नेम पासवर्ड लिखा होता है, तो और उधर आईपी भी लिखी मेंशन होती है, तो वो आईपी होती है 192.168.1.1। जब ये आप आईपी एक्सेस कर लेंगे तो उसके बाद ये पेज आ जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन वही मैं फिर आपको बताता चलूं कि वाईफाई से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और आपने टाइप ऊपर करना है, गूगल सर्च में नहीं करना। अच्छा, ये आपका आ जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम मैंने आपको जैसे बताया कि राउटर की बैक साइड पे लिखा होगा, बल्कि बाय डिफॉल्ट सबका एडमिन ही होता है, तो एडमिन के नीचे पासवर्ड देख लें, वो डिफरेंट रहता है। अच्छा, ये मैंने यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डाल दिया है, तो ये स्क्रीन मेरे सामने आपके सामने आ जाएगी। और ये वाईफाई की सेटिंग के लिए आपको वाईफाई इसमें जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था कि 2.4 है और ये 5 GHz है, तो इधर आप वाईफाई का नाम और पासवर्ड इधर चेंज करेंगे। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, तो इसमें मैं अब चेंज नहीं करूंगा, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको एक्सटेंडर कैसे बनाते हैं। सबसे पहला इजीएस्ट वे ये होता है कि सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, तो यहां पर एक होगा होम जोन, आप इस होम जोन को ऑन कर दें। ऑन करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दें, डू नॉट टर्न ऑफ योर राउटर, राउटर विल गेट रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राउटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद आपका वाईफाई का नाम और पासवर्ड आपने पहले ही चेंज कर लिया होगा, तो जस्ट आप उसकी वैन पोर्ट में जस्ट वायर कनेक्ट करें और एज एन एक्सटेंडर यूज करेंगे। मेन राउटर से या थर्ड राउटर से या सेकंड राउटर से, किसी भी राउटर से आप कनेक्ट करें जिसमें इंटरनेट है, आगे ये यूज करना चाह रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे यही है कि आपने इसको सिर्फ होम जोन को अनेबल करना है। ये सेकेंड तरीका है कि कैसे उसको एज एन एक्सटेंडर और एक्सेस पॉइंट आप बना सकते हो। तो वही दोबारा तरीका, एडमिन डालेंगे, पासवर्ड राउटर की बैक साइड पर है, ओके, ये मैंने रीसेट कर दिया था दोबारा, तो आपने सबसे पहले जाना है स्टैंड अलोन पे, प्रोसीड कर दें, प्रोसीड कर दें, फिनिश कर दें। खैर, ये पेज आपके सामने आ जाएगा, वो चीजें आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप रीसेट करेंगे तो वो चीजें आपसे पूछेगा, तो आपने स्टैंड अलोन पे जाना है। फिर आपको मैं कहूंगा कि सेटिंग्स पे जाना है, लैन पे जाना है, यहां पर आपकी 192.168.1.1 आईपी है, आईपी एड्रेस, इसको आप 2.1 कर दें या 3.1 कर दें, जैसे इजी हो। 1.1 या 0.1 नहीं रखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर राउटर अपनी आईपी वही रखता है। यहां पर लिखा हुआ है डीएससीपी सर्वर, तो ये डीएससीपी सर्वर आप इसको डिसेबल कर दें, ठीक है, और जस्ट अप्लाई कर दें, योर चेंजेस हैव बीन अप्लाइड। तो अब आपने क्या करना है, राउटर की लैन पोर्ट पे अपनी वायर कनेक्ट करनी है, नॉट अ वैन पोर्ट, फिर ये एज एन एक्सटेंडर आपका काम करेगा। तो ये दो सिंपल वे हैं S3 राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाने के, और इस तरीके से आप अपना S3 राउटर एज एन एक्स्ट्रा राउटर यूज कर सकते हैं। विल्ला है, बड़ा विल्ला है, ऊपर वाले फ्लोर पे लगाना है, तो ये आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। 2-bedroom hall है, 3-bedroom hall है, जहां पे सिग्नल की रीच नहीं है और आपके पास ये एक्स्ट्रा राउटर है, जस्ट आपको लैन कनेक्शन देना है
लैन कनेक्शन देने के बाद फिर आपको ये सेटिंग्स करनी है आपका कनेक्शन। तो ये आपका सिंपल वे है। अगर कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।